देश में अब तक 1,62,26,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। देश भर में 3,65,000 से अधिक कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 2,59,000 से अधिक नए मरीज स्वस्थ हुए। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के बकाया भत्ता भुगतान के लिए 72,32,00,000 रुपए जारी किया है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। लिंग आधारित भेदभाव को दूर करने और बच्चियों तथा किशोरियों के प्रति सम्मान का लिया जा रहा है संकल्प। नालंदा जिले के सोहसराय थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की हुई मौत के मामले में पुलिस ने 13 लोगों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के बरूराज थाना क्षेत्र के फुलवरिया में पेट्रोल पंप पर लूट की अपराधियों की कोशिश नाकाम हो गई। पुलिस ने 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया। सिवान के विभिन्न क्षेत्रों में मोटरसाइकिल पर स्थापित सत्तू चक्की लोगों को आकर्षित कर रहा है। स्वरोजगार की दिशा में है एक अहम कदम। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने दरभंगा के पुरखोपट्टी गांव में 2 बालिकाओं की हत्या की निंदा की। पीड़ित परिवार से की मुलाकात। मुंगेर के पोलो मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों के सिलसिले में किया गया पूर्वाभ्यास। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को तीसरे एक दिवसीय मैच में 4 रनों से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। अंत में